हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जीएस 2022 के वन पेपर का इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, तो इसमें 18 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाइए देखिए। और आज हम करेंगे 19 नंबर, मतलब 19वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी मैं करा दूंगी। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्म निरपेक्षता के भी भारतीय रूप। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से बात करते हैं। तो क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्म निरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर देना है। तो सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्म निरपेक्षता भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले बताना है सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्म निरपेक्षता शब्द सर्वधर्म संभाव नामक वैदिक संकल्पना से प्रेरित है, जिसका अर्थ है धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव का होना। और तो पश्चिमी देशों में धर्म निरपेक्षता धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित, अर्थात चर्च एवं राज्य की अलगाव होने पर। अगला है, इसमें पॉइंट वाइज बताऊंगे धर्म निरपेक्षता क्या है। तो धर्म निरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म संभाव से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले साधनों का साध्य समान है, हालांकि साधन भिन्न हो सकते हैं, जिसका अर्थ है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना। इसमें से आपको दो पॉइंट लिख सकते हो इंट्रो में, ठीक है। इसका टॉलरेंस क्या होता है, मतलब सहिष्णुता। इसका अर्थ है विभिन्न धर्मों के लोग अथवा संप्रदाय एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखते हैं। भारत वह जगह है जहाँ बौद्ध और जैन धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। इन धर्मों ने शांति और सहिष्णुता का संदेश दिया था। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे मतलब सहनशीलता का उपदेश दिया। वहीं कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग किसी भी देशी राजा ने अपनी प्रजा को दूसरे धर्म से परिवर्तित होने के लिए मजबूर नहीं किया। और मुगल राजा अकबर और बौद्ध राजा अशोक की धार्मिक सहिष्णुता नीतियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो एग्जाम्पल दोगे तो आंसर और अच्छा होने वाला है। तो वासुदेव कुटुम्बकम महा महा उपनिषद में एक वाक्यांश है जिसका अर्थ है समस्त संसार एक परिवार है। राज्य के संविधान द्वारा गारंटी कृत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 यह गारंटी देता है कि इसके सभी निवासियों को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है। यह अधिकार सभी धर्म के प्रति राज्य की सहिष्णुता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य का कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है। वहीं एसिमिलेशन का बात करें तो सम्मिलन क्या है, तो आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों या विभिन्न जाति विरासत के समूहों को एक समाज की प्रमुख संस्कृति में समाहित किया जाता है। भारत में सभी प्रमुख धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में हैं। भारत बौद्ध जैन सिख धर्मों का जन्म स्थान रहा है। फारस और अफगानिस्तान आक्रमणकारियों के साथ इस्लाम भारत में आया था। हालांकि सबसे आकर्षक तथ्य यह है कि यहाँ विकसित हुए नए धर्म आक्रमणकारियों द्वारा पेश किए गए थे, फिर भी वह अपनी विशेष पहचान खोए बिना शेष समाज के साथ सह अस्तित्व में थे। तो फिर बात करते हैं, एक मिनट पेन। हाँ, जब कोई धार्मिक समुदाय सह अस्तित्व में होता है तो समय के साथ वह एक दूसरे के काल कला, वास्तुकला, संस्कृति और धर्म के तत्वों को शामिल करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए मुगल ने काल ने फारसी इस्लामी वास्तुकला और देसी भारतीय कला के मिश्रण के फल स्वरूप एक विशिष्ट मुगल शैली का निर्माण किया। मुगल काल में जयपुर अंबर के राजपूत चित्रों को बहुत प्रभावित किया, ठीक है। आगे बहुलवाद मतलब प्लूरलिज्म क्या होता है, इसका मतलब है कि विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, सांस्कृतिक मतलब संस्कृतियों के लोग एक साथ सद्भाव में रहते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग निवास करते रहे हैं। भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व है। इनमें इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म एवं पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म शामिल हैं। प्रत्येक धर्म में कई उपसमूह भी होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म शैव और वैष्णववाद के अनुयायी हैं, तथा मुस्लिम में सुन्नी शिया मुसलमान हैं या विभिन्न धर्मों और पंथों के निवासी हैं। तो वही बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, या फिर नहीं अभी इसमें ही बात करते हैं। भारत के आसपास बौद्ध धर्म पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट हुआ था। भारत में जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद विकसित हुआ। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत ही वह देश था जहां पर इस्लाम सबसे तेजी से फैला फूला। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। 8वीं शताब्दी में पारसी धर्म का भारत में आगमन हुआ था, इसलिए बहुलवाद हमेशा भारत का अंग रहा है। तो इस तरह से कंक्लूजन को लिखोगे आप, कुछ अपवादों को छोड़कर शासकों ने लोगों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया, बजाय इसके उन्होंने ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता और भूमि की पेशकश की। इसलिए धर्म निरपेक्षता कई वर्षों से भारत समाज और संस्कृति का हिस्सा रही है। तो यही क्वेश्चन पूछा था आपने, इसको पॉइंट वाइज बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा आई थिंक।
पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के थ्रू। तो ठीक है, ऐसे ही आंसर लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, जिसमें GS1 2022 सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।